हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम जो प्रीवियस वीडियो है उसका कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम मेजरमेंट ऑफ डेड स्पेस एंड वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब हेल्थ इज़ वेल्थ एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको कंटिन्यूटी में हेल्थ अपडेट मिलती रहे। तो चलिए गाइस, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में डेड स्पेस के बारे में पढ़ा था। डेड स्पेस वो होता है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंजेस नहीं होती है, उसको बोलते हैं डेड स्पेस। और जो नॉर्मल डेड स्पेस में जो होता है वो होता है 150 ml। आज हम बात करते हैं कि कैसे इसको मेज़र करते हैं। तो जो डेड स्पेस हम जो मेज़र कर सकते हैं वो होता है सिंगल ब्रीथ नाइट्रोजन वॉशआउट मेथड। इसके अंदर जो पर्सन होता है वो जो होता है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन यानी जो रेस्पायर्स एयर जो होता है वो नॉर्मली करता है फ्यू मिनट के लिए, कुछ मिनट के लिए। उसके बाद उसको बोलते हैं ही टेक्स अ सडन इनहेलेशन ऑफ प्योर ऑक्सीजन। उसको प्योर ऑक्सीजन का इनहेल करवाया जाता है की वजह से जो डेड स्पेस में एयर है, जो डेड स्पेस होता है उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन होती है। तो ये जो होती है जो इनहेल ऑक्सीजन की वो किस में रिप्लेस कर दी, डेड स्पेस की एयर में। और जो डेड स्पेस की एयर थी वो कहाँ चलेगी, वो एल्वोलाई में चलेगी। उसके बाद जो पर्सन है उसको कहा जाता है कि एक्सहेल करने के लिए एक नाइट्रोजन मीटर होता है, उसमें एक्सहेल करने के लिए कहा जाता है, जिसके कारण जो एक्सपायर्ड एयर जो एयर उसने एक्सपायर्ड किया उसके अंदर से जो है अपने नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन रिकॉर्ड कर लेंगे। जो पहला पोर्शन है जो एक्सपायर्ड एयर का जो फर्स्ट पोर्शन होएगा वो कहाँ से आएगा, वो अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक से आएगा, जो सिर्फ ऑक्सीजन ही कंटेन करेगी। और जो उसका जो नेक्स्ट पोर्शन है एक्सपायर्ड एयर का वो आएगा एल्वोलॉय से, वो जो कंटेन करेगा नाइट्रोजन, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन मीटर में जो हमने एक्सपायर्ड की है उसका हम नाइट्रोजन कंसंट्रेशन डिटरमाइन हो जाएगा। कारण पहले ऑक्सीजन थी तो नाइट्रोजन लेवल नहीं था, तो जिसके कारण वो राइजेज होगा शार्पली एंड रीचेज द प्लेचो सून। और उसके बाद जो हमें वैल्यूज मिली है उससे हम ग्राफ जो है बना लेंगे और ग्राफ से हम डेड स्पेस कैलकुलेट कर लेंगे। जो हमने ग्राफ बनाया, हमने बात की थी जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो ऑक्सीजन कंटेन करता है, नाइट्रोजन कंटेन नहीं करता, और जो दूसरा पोर्शन होता है वो नाइट्रोजन कंटेन करता है। तो इसके दो पोर्शन हो गए, एक तो होगा एरिया विदाउट नाइट्रोजन और एक होगा एरिया विद नाइट्रोजन। और जो एरिया विदाउट नाइट्रोजन जिसमें नाइट्रोजन नहीं है वो क्या करेगा, डेड स्पेस एयर, क्योंकि हमने पहले बात की थी जो डेड स्पेस है सिर्फ ऑक्सीजन कंटेन करता है, नाइट्रोजन और कोई गैसेस कंटेन नहीं करता है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, डेड स्पेस इक्वल टू एरिया विदाउट नाइट्रोजन अपॉन में एरिया विद नाइट्रोजन प्लस एरिया विदाउट नाइट्रोजन। ये जो सारा है ये मल्टीप्लाई होगा वॉल्यूम ऑफ एक्सपायर्ड एयर के। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए एरिया विद नाइट्रोजन है 70 cm और एरिया विदाउट नाइट्रोजन है 30 square cm एंड जो वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड है वो 500 ml है। तो इसका जो डेड स्पेस कैलकुलेट होगा वो होगा 150 ml। तो इस तरह से हम जो है एक नाइट्रोजन वॉशआउट मेथड से जो है डिटरमाइन करते हैं डेड स्पेस में। एक जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये याद रखनी है कि जो डेड स्पेस जो होता है उसके अंदर जो एयर हमने इनहेल की तो ऑक्सीजन इनहेल करने के बाद जो दूसरी ऑक्सीजन होती है वो एल्वोलाई में चली जाती है, और जो अपर पार्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक्सपायर्ड एयर में वो ऑक्सीजन कंटेन करता है, और जो अदर पार्ट जो नेक्स्ट पार्ट है वो कंटेन करता है नाइट्रोजन। और जो ऑक्सीजन जो होती है वो ही जो होती है डेड स्पेस एयर बोला जाता है। उसके बाद ये तो होगी डेड स्पेस की बात में कैसे इसको मेज़र करते हैं। अब हम बात करते हैं वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो के बारे में। तो जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो होता है वो क्या होता है, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो इज अ रेशो ऑफ एल्वोलर वेंटिलेशन एंड द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट परफ्यूज द एल्वोलाई। तो जो एल्वोलर वेंटिलेशन की जो बात थी वो हमने प्रीवियस वीडियो में की थी कि जो अमाउंट ऑफ एयर यूटिलाइज फॉर गैसेज एक्सचेंजेस एवरी मिनट इन नोन एज ए एल्वोलर वेंटिलेशन। इसको डिनोट करते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं, एल्वोलर वेंटिलेशन को हम VA से डिनोट करते हैं, और जो Q होता है वो होता है परफ्यूजन का ब्लड फ्लो, तो एक्सप्रेस होगी VA अपॉन में Q। तो नॉर्मल वैल्यू एंड कैलकुलेशन क्या होता है एल्वोलर वेंटिलेशन का, तो हमने जो नॉर्मल वैल्यू डिटरमाइन कर लिया था वो होता है 4200 ml पर मिनट।
उसके बाद जो होता है पल्मोनरी ब्लड फ्लो क्या होता है, यानी जो ब्लड फ्लो हुआ है एल्वियोलाई से, तो पल्मोनरी ब्लड फ्लो होता है 5000 ml/min। तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो का जो पहले फॉर्मूला था वो वी अपॉन में क्यू था, तो जो हमारा एल्वियोलर वेंटिलेशन है वो हुआ 4200 एंड जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो हुआ वो हुआ 5000, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो ऐसे करके 0.84 आ गया। तो ये नॉर्मल वैल्यू होती है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो की। तो जो हमने बात की कि जो ये वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो होता है ये एल्वियोलर वेंटिलेशन और ब्लड फ्लो पे डिपेंड करता है, तो कोई भी चेंज जो एल्वियोलर वेंटिलेशन में आएगा तो उसकी वजह से जो है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो भी जो है इफेक्ट होगा। अब जैसे हम सिचुएशन बना लेते हैं, पहली सिचुएशन ये है कि वेंटिलेशन इंक्रीज होगा पर उसमें ब्लड फ्लो में कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो क्या होगा, रेशो भी इंक्रीज होगा। इसी तरह से दूसरे तरीके में क्या हुआ कि ब्लड फ्लो तो इंक्रीज हो गया पर जो है वेंटिलेशन इंक्रीज नहीं हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो उसके अंदर क्या होगा, रेशो डिक्रीज हो जाएगा। ये तो हमने बात की फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस की वजह से, यानी कि जो फिजियोलॉजिकली वेंटिलेशन इंक्रीज हो गया या ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। उसके बाद हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल वेरिएशन। तो पैथोलॉजिकल वेरिएशन में जैसे COPD होता है जिसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं, इसके अंदर क्या होगा, वेंटिलेशन इफेक्ट होता है और रिड्यूस हो जाता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है एल्वियोलाई का ऑब्स्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन जो होता है एल्वियोलर मेम्ब्रेन का हो जाएगा। तो जिसके कारण क्या होगा, मेम्ब्रेन का डिस्ट्रक्शन हुआ तो उसके वेंटिलेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, वेंटिलेशन डिक्रीज हो जाएगा और अगर वेंटिलेशन डिक्रीज हुआ तो रेशो अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह जो है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो होता है ये सारा जो है एल्वियोलर वेंटिलेशन और पल्मोनरी ब्लड फ्लो टू फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो गाइस आज की वीडियो में हमने जो है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो एंड हाउ टू मेजर डेथ फेज इसके बारे में बात की। अगली वीडियो में जो है हम एयर के बारे में, इंस्पायर्ड एयर, एक्सपायर्ड एयर, एल्वियोलर एयर के बारे में बात करेंगे, इनका क्या क्या कंपोजिशन होता है और इसको कैसे कलेक्ट करते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। सो गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।